दोस्तों अब आपको क्रेटा और सेल्टोस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में नई एसयूवी आ गई है जो कि इनसे भी कम प्राइस के अंदर आपको इनसे भी बेहतरीन फीचर दे रही है। तो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन गियरबॉक्स में। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में महिंद्रा ने अपनी नई एसयूवी 3XO लॉन्च कर दी है जो कि सेगमेंट में सबकी ब्रांड बजा देगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो इस नई एसयूवी 3XO पे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसके अंदर आपको XUV 300 से क्या क्या अपग्रेड मिले हैं और क्या क्या डाउनग्रेड मिले हैं। नाम ही नहीं, नाम के साथ साथ फीचर्स, प्राइस, सेफ्टी सब कुछ ही चेंज कर दिया है और साथ ही में इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस आपको कमाल का मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम 1K अचीव करने के बहुत ज्यादा करीब है, तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं गाड़ी पे और आपको बताते हैं महिंद्रा ने इसके अंदर क्या क्या बदलाव किया है। सबसे पहले इसका डिजाइन और लुक कम्प्लीटली आपको चेंज देखने को मिलेगा, बट अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसकी जेनेटिक्स 300 से मिलती जुलती है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि एक अलग ही सेगमेंट की नई गाड़ी लॉन्च कर दी है। सामने की तरफ गाड़ी में आपको सी शेप डीआरएल्स मिल जाते हैं और उसी के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और सामने की तरफ जो ग्रिल है उसकी लुकिंग कुछ इस तरह की है कि अब उसको देखने में ऐसा लगता है कि गाड़ी काफी ज्यादा गुस्से में है या काफी ज्यादा एग्रेसिव है। ये गाड़ी एक बोल्ड डिजाइन के साथ आपको देखने के लिए मिलती है जो कि महिंद्रा की कोई भी और कार आपको देखने को नहीं मिलेगी। गाड़ी की साइड प्रोफाइल आपको पहले जैसे ही देखने को मिल जाएगी, बस इसके थोड़े बहुत कट्स वगैरह चेंज किए हैं और टायर प्रोफाइल भी आपको 17 इंच वाली देखने को मिलेगी। बीच में जो 300 थी उसके टायर प्रोफाइल को घटा के 16 इंच कर दिया था, बट उसको वापस चेंज कर दिया गया है और वो 17 इंच की प्रोफाइल फिर से आपको देखने को मिलेगी। और गाड़ी की बैक डिजाइन जो महिंद्रा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स है उससे थोड़ा मिलता जुलता है जो कि कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। पहले जो लुकिंग थी 300 में उसमें ऐसा लगता था कि पीछे से उसे काट दिया है, बट ये फील इस गाड़ी में आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये चीज आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है। अब इसके इंटीरियर पे आते हैं और इंटीरियर में हमको हार्ड प्लास्टिक का वर्क बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट टच लेदर का वर्क हमको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक ऐसी चीज इस गाड़ी की जो आपको ऊपर के सेगमेंट की या लग्जरी गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलेगी वो है इसका म्यूजिक सिस्टम। इसके अंदर आपको हार्मन कार्डन के 6 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि म्यूजिक लवर्स के लिए एक जन्नत साबित हो सकते हैं। एक ऐसा चेंज जो आपको XUV700 के टॉप मॉडल के अंदर भी देखने को नहीं मिलता था और लोग उसका काफी समय से इंतजार कर रहे थे, और वो है इस गाड़ी का ऑटोमेटिक IRVM। फीचर्स के मामले में हम इसको मिनी XUV700 भी बोल सकते हैं क्योंकि उसके सारे फीचर्स इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा, एडास या एडास रिलेटेड सारे फंक्शंस। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको एडास लेवल 2 देखने को मिलेगा। एक चीज में इसको थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है वो है इसके सीट का वेंटिलेशन। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट देखने को नहीं मिलेंगी, बट इसके सेगमेंट की जो और कार्स हैं उनके टॉप मॉडल में आपको वेंटिलेटेड सीट्स प्रोवाइड की गई थी। महिंद्रा यदि ये फीचर भी हमको दे देती तो वाकई ही बात थी। रोड पर इस गाड़ी की हैंडलिंग पहले भी हमको 300 में काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती थी, बट उसको अब एक कदम और आगे ले जाया गया है और ये सेगमेंट में सबसे बढ़िया हैंडलिंग वाली कार बन जाती है। हमने इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की मोटी मोटी बातें कर ली है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके इंजन की तरफ और बताता हूँ कि उसमें आपको कितनी पावर और कितनी परफॉर्मेंस उसके अंदर देखने को मिलेगी। इंजन वही 300 वाला कैरी फॉरवर्ड किया गया है जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद था, बस उसके थोड़ी पावर और उसकी रिफाइनमेंट बढ़ा दी है। इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला है 1.2 लीटर पेट्रोल, दूसरा है 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बो TGDI और तीसरा है 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। यदि पावर की बात करें तो मैक्सिमम पावर हमको 130 bhp देखने को मिल जाएगा और इसका टॉर्क जो है वो 300 न्यूटन मीटर का देखने को मिलेगा जो कि इस सेगमेंट की गाड़ियों में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। इतना टॉर्क मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको फरारी बना दो, इसको आराम से चलाओ, प्यार से चलाओ, क्योंकि जान है तो जहान है। इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों देखने को मिल जाएंगे, बट 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन है उसके अंदर आपको 6 स्पीड AMT ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। अब इस गाड़ी का सबसे मेन पॉइंट जो कि बायर्स को अट्रैक्ट करेगा वो है इस गाड़ी की सेफ्टी। सेफ्टी के मामले में 300 पहले भी 5-स्टार लेके आ चुकी है और अब तो इसके अंदर एडास लेवल 2 जैसे फीचर्स और ज्यादा एड कर दिए हैं,
तो ये गाड़ी सेफ्टी के मामले वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन द सेगमेंट हो सकती है। ऑलवेज रिमेम्बर, सेफ्टी इज योर प्रीपेड इंश्योरेंस। गाड़ी में फीचर्स भले ही भर भर के कितने भी डाल दो, बट गाड़ी की सेफ्टी उसकी बिल्ड क्वालिटी से ही आएगी, जो कि बाद में चेंज नहीं हो सकती। एक बार आपने गाड़ी खरीद ली, वैसी ही बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाएगी। तो ब्रीफ में मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द सेगमेंट के अंदर फीचर लोडेड कार ये होने वाली है। तो बात खुली खुली ये है कि आपको ना ही तो सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ना ही इसके जो डिजाइन है उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ना ही इसके फीचर्स और जो इसका स्पेस है उसके अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर कार है सेगमेंट के अंदर। महिंद्रा की तरफ से एक शानदार पैकेज आप इसे बता सकते हो। इस गाड़ी के अंदर इतना सब कुछ डालने के बाद भी ये गाड़ी आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी प्राइस कुछ इसी तरह सोच के रखी गई है। ये गाड़ी आपको 7.5 लाख के अक्षोरूम प्राइस से देखने को मिल जाएगी और इसका टॉप एंड आपको 10.5 लाख अक्षोरूम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेने के लिए। यदि आप इस सेगमेंट की गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो ये गाड़ी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और ऑटोमोटिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।